हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की नुलाई दुलाई चल रही है यहाँ पर, ये देख लो, ये नहा रहा है ये जियान बाबू, और एनो तैयार होकर घूम रही है। वैसे एनो को अभी भी बुखार है, बहरहाल दवाई पिला दी है, देखते हैं कितने टाइम में ठीक होगी, आज हो जाएगी या नहीं होगी। गाइस देखो, मैं पाउडर लगा रही हूँ, ये देखो क्या बन के आई है ये एनो। क्या बन के आई है, हीरोइन पाउडर लगा के भूत बन गई है एनो, भूत। खत्म कर देगी ये पूरा। लाओ मुझे दे दो, लाओ एनो मुझे दे दो, ले आ बेटे, ठीक है। मेरी फूफो लाई है नया फ्रॉक, मम्मी ने ला के दिया ये वाला फ्रॉक एनो को, ठीक है। मैंने आइसक्रीम भी खाई थी, हाँ बुखार में आइसक्रीम खाई थी, तभी तो तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो ब्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा है तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। और ये एनु कितना चिल्ला रही है, इसने मुझे परेशान कर रखा है एनु ने। एनिमेन चलो बोलो, आप बोलो कि ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दो दिन में जो है वजन भी हल्का हो गया बुखार होके, इसका बुखार जो है जल्दी से ठीक नहीं होता, और दो दिन में इस पर इतना फर्क पड़ गया, बस समझ लो 2 किलो वजन कम कर लिया होगा इसने अपना, क्योंकि खा पी नहीं रही कुछ भी, बस बिस्किट की मलाई चाट, मलाई कह रहा वो क्रीम चाट ली, बस हो गया काम इसका। तो ये यहाँ पर नहाकर आ गया है बाबू, इसकी मम्मी ने इसे नहला दिया है, और क्या लगा रहा है ये, पाउडर लगा रहा है, और एनू लगा दिया इसके पाउडर हैं। एनू हाँ, इसको तंग मत करो, ये इतना चिड़चिड़ा आदमी है, इसे बिल्कुल भी तंग मत करो भाई। एनू बेचारी अच्छी है हमारी ना, एनू हमें ज़्यादा सताती नहीं, ये बहुत सताता है हमें नंगा बाबू। चलो तो यार मैं चलता हूँ दुकान पे ना। ये कहाँ पड़ी है एनु, रास्ते में पड़ी है, खड़ी हो जा बेटे, खड़ी हो जा, खड़ी हो जाओ। तो दोस्तों अभी अभी आया हूँ मैं कमरे पे कुछ खाने का सामान देने के लिए दोपहर के लिए, तो अभी अनाया जो है अंदर पड़ी हुई फ़ोन चला रही थी, आपने देखा होगा वो गेट खोलते ही अंदर पड़ी हुई थी, बिल्कुल एकदम यहाँ पर दहलीज में। और मैं आपको बताना, और मुझे आपको बताना था कि मैंने अभी अभी एक ये पार्सल मंगाया है, जो कि अब से 5-6 दिन पहले ऑर्डर किया था, और ये अब पहुँचा है मेरे पास आज, बिल्कुल अभी अभी पहुँचा है ये। तो मैंने थोड़ा सा खाने का सामान लिया, मतलब सब्जी वगैरह ली, और ये पार्सल लेके मैं तुरंत कमरे पे आ गया। अभी मैंने इसे खोला नहीं है, अभी इसे खोल के मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इसमें क्या लिया है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि इसे घर पर ही जाके खोलूँ, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं गाँव में चला गया तो गाँव में जाके इसकी ओपनिंग करूँगा तो पता चल रहा है ये छोटा बड़ा, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं अभी खोलता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रिटर्न कर दूंगा, दूसरा मंगा लूँगा फिर। दोस्तों मैंने जो अभी पार्सल मंगाया था, तो वो पार्सल मैंने खोल के देख लिया है, और आप सोच रहे होंगे कि हमें भी दिखाए जल्दी से जल्दी, तो दोस्तों मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं गाँव जाने के हमारे। तो मैंने खोल के देखा तो दोनों चीज़ जो है ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, और क्या चीज़ है, किसके लिए है वो चीज़, वो आपको जो है ना मेरे आने वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो हमारे ब्लॉग में बने रहा करो, और जो भी ब्लॉग आप देखते हो, शिकायत आपसे हमेशा मेरी यही रहती है कि आप ब्लॉग मेरे सारे देखते हो पर क्या है कि लाइक नहीं करते। लाइक करा करो यार, और अभी का भी लाइक कर दो इसी वक्त, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और जो लोग नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरी। तो अब मैं बात करता हूँ उस बारे में कि जो भी चीज़, आवाज़ मत करो, तुम्हारी आवाज़ मुझे उसमें भी आ रही थी, पहले वाले ब्लॉग में भी जो है ना बहुत आवाज़ हो रही थी ये। हाँ तो अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसे लगे जो चीज़। मुझे तो बहुत पसंद आया, जैसे मैंने सोचा था वो चीज़ ऐसी है सेम, मैं तो दिखाना चाहती थी, लेकिन जब हमने मतलब जिस लिए लिया है फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा ना, तो इसलिए हम आपको गाँव जाके दिखाएंगे। हाँ दोस्तों एक चीज़ और है, गाँव जाके यही सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज एक और है जो कि हम अपने गाँव में जाके दिखाएंगे, जो कि अभी तक हमने आपसे बताया नहीं, लेकिन वो काफ़ी दिन पहले हमें पता चल गई थी, तो वो बात हमें आपको तभी पता चलेगी जब आप हमसे जो है ना जुड़े रहेंगे, लगातार हमारे ब्लॉग देखेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अभी
अभी के लिए हमने देख लिया, हमने देख लिया, आपने देख लिया, बात एक ही है। तुम क्या कहना चाहोगी? सब सोच रहे होंगे क्या चीज मंगाई, क्या है, हमें कब दिखाएंगे। बहुत ही जल्दी दिखाएंगे। तो चलो फिर चलू मैं अभी दुकान पे। मैंने सब्जी भी ला के दे दी तुम्हें, सामान भी ला के दे दिया, तुमने मसाले कहे थे मसाले भी लाया, और ये फोन, और ये एनु जो है फोन की आवाज बहुत तेज रखती है, इसकी आवाज थोड़ी कम। अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका ये फ्रॉक अच्छा है। ये भी जो है कब खरीदा था ये और बता दो, ये फ्रॉक कब खरीदा था? दो फ्रॉक लेके आई, सेम 170 रुपए में दो। हाँ चलो सही है, अच्छा लग रहा है वैसे फ्रॉक। वैसे भी कपड़ा ऐसा है ना कि गर्मी में पहनने के लिए सही है। वो ना फड़ पे बेच रहा था बेचारा ना, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, बहुत भीड़ लगी थी। लेकिन वो भी बेचारा है, हम भी बेचारे हैं। वो फड़ पे बेच रहा था, हम फड़ से खरीद रहे थे, हम भी बेचारे हो गए। सही है ना, बेचारे बेचारे जब मिल जाएंगे तो खूब रंग जमेगा। ये यहाँ पर रखी है टमाटर प्याज कटने के लिए, क्योंकि इनके अभी तक काटने की तैयारी नहीं करी साजिया ने। और ये है रसोई का काम। क्या बन रहा है? बिरयानी। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा सामान देने में मैं लेट हो जाता हूँ ना, तो ये मेरी बिरयानी बनाने की सोचती, फिर मतलब गुस्सा करके दिखाती। अभी तो फिलहाल काम कर रही है। तो 12:30 बजे ला के दोगे तुम सब्जी, तो फिर किस टाइम बनेगा खाना? हाँ, थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाते हैं ना, कभी कभी एडजस्ट करना चाहिए। चलो कोई नहीं, फिर भी आ गया सामान। मैं बच्चों के हिसाब से करती हूँ ना काम, अब जैसे वो सोया हुआ है जियान, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो वैसे अभी कितनी देर लग जाएगी बनने में खाना? वैसे मुझे भूख लग रही बड़ी तेज। अभी लेके आए हो सामान और अभी खाना बन जाएगा। लाओ तो पानी पिला दो। वैसे बिरयानी की रेसिपी क्या होती है, कुछ बताओगी तुम थोड़ा सा? क्या बिरयानी कई तरह से बनती है? चलो तुम्हारे चिकन की बना रहे हो या मटन की बना रहे हो? सुनो, तुम्हारे बताने से पहले मैं कुछ बताऊंगा। एक दिन तुम पराठे बना रही थी ना रसोई में, तो हमने वो वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो पे कमेंट पता क्या थे, मतलब कुछ लोगों के कमेंट थे कि ऐसे पराठे कौन बनाता है। तो उसने ऐसे पराठे खाए नहीं होंगे। अच्छा, तो उसको है ये जवाब। आलू के पराठे कई तरह से बनते हैं। एक तो ये कि जब हम वो बनाते ना पेड़ा नहीं, तो उसके अंदर आलू रख के एक साथ बनाते, कोई ऐसे कि एक रोटी बेल के दूसरी प्लेट में रख देता, फिर दूसरी रोटी बेल के ना और बीच में आलू लगा के दोनों रोटी को चिपका के तब भी बनाते। हाँ, तो उस पे मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार, मैं हमेशा जब आलू के पराठे बनाती हूँ तो मैं आलू ज्यादा लगाती हूँ, तो इसलिए मुझे डबल वाले अच्छे लगते हैं, एक रोटी ऊपर नीचे और बीच में आलू ज्यादा रहते हैं। एनु, क्या करने आई हो आप बाहर? आप तो मोबाइल चला रहे थे अंदर पड़े हुए। आई जब से बीमार हुई है एनु ना, तब से ये देख लो कि ये मतलब इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, फुर्ती सुस्ती, खाली मोबाइल चला रही बस पढ़ के थोड़ी बहुत देर। एनु क्या चाहिए बेटे? आई क्या चाहिए? कुछ नहीं। एनु बन गई आत्मा। आधा घंटा हो गया है मुझे इंतजार करते करते, अभी बिरयानी तैयार नहीं हुई, अभी तो प्याज ही जल रही है यहाँ पर। फ्राई की है प्याज। हाँ? और अभी ये जो गरम मसाला। हाँ? ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ऐड करूंगी? गरम मसाला का ऐड करोगी तुम? गरम मसाला उसमें डालती हूँ। अच्छा, उसमें डालोगे तुम भगोने में। चलो तो फिर प्याज फ्राई करनी है, टमाटर और ये अदरक लहसुन और सौंफ और साबुत धनिया, थोड़ा गरम मसाला मैंने पीसा है इसमें कुछ, और ये वाली हरी मिर्च मैंने कट करके रखी है, और ये अखनी ये पहले से तैयार है इसकी, ठीक है? ठीक है। और दही भी ऐड करूंगी इसमें। ठीक है, तो अगर तुम कह रहे हो ना कि तुम कैसे बना रहे हो, अगर तुम्हें दिखाना है तो दिखा देना, अगर तुम्हें नहीं दिखाना तो तुम अपना अंदर काम कर लो। एक तो थोड़ा सा तेज बोल लग रहा हूँ, क्योंकि ना तुम्हारी आवाज, मैं जब व्लॉग एडिटिंग करता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी आवाज ना बहुत कम आती है, तो जो है जो हमारे व्यूवर्स है उनको भी आवाज कम ही आती होगी, तो थोड़ा सा तेज बोल लग रहा हूँ, चिल्ला के। अच्छा, ये देखो मैंने इसमें प्याज डाली है फ्राई करने के लिए। हाँ। ऐसा बोल लग रहा ना, ऐसे। हाँ, लोग खोद रही है, खाना बना रही है, लड़ाई कर रही है। हाँ, खाने के साथ लड़ाई कर रही है। 20 मिनट और हो गए हैं मुझे इंतजार करते करते, अभी कितनी देर और लगेगी? अभी भी ये प्याज यहीं पर रखी है जो मैं देख के गया था। ये तो सबसे लास्ट में डलेगी ना। अच्छा, अभी तो मैं वो वाली प्याज फ्राई करूँ, इसमें अब टमाटर डालूंगी। मैं ये बता रही हूँ तुम्हें। हाँ? इतना मैं खाना बना रही हूँ। हाँ? तुम्हें भूख लग रही है, कुछ काम तो है नहीं। हाँ? इससे अच्छा तुम एक काम करो, बाहर जितने कपड़े पड़े रस्सी पे सब उतार के अंदर रख दो, क्योंकि धूप में कपड़ों का कलर उड़ जाएगा। ठीक है,
जल्दी जाओ, अनंगे पैर जा रहे हो, तुम्हारे पैर गर्म नहीं होगे धूप में? पैर गर्म थोड़े होते हैं, पैर जलते हैं। हाँ तो मैं बाबू को बोलती हूँ ना, पैर गर्म हो जाएंगे। मैं तो बोलती है मेरा पेट गर्म हो गया नाश्ता करके। काम करो, जब तक तुम खाना वाना तैयार करोगे तो मैं थोड़ी देर लग जाएगी, मैं हाँ। नमाज पढ़ के आता हूँ तब तक। जब तक नमाज पढ़ के आओगे मेरा खाना भी एकदम तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सुनो तो तुम बूंदी तो लाए नहीं, दही वो रायता बनाने के लिए? दही तो ले आया था। दही से खा लेना, मैं चटनी बना लूंगी। ठीक है, टाइम लगेगा, उसको थोड़ा भिगो के रखना पड़ेगा, उसके बाद उधर से लेता आऊंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत काम है तो इसलिए बस मैं भी चलती हूँ। ये देखो अनाया बिस्तर लगा के किस में सो रही है, टप में सो रही है, टप में। बन गया खाना, रेडी है? हाँ देखो खाना तो तैयार है। अब हम आगे खाएंगे, खाने में बाजी के यहाँ देने जा रही हूँ। चलो दिया हो तो जाके। इसको मैंने फेंका नहीं, इसके अंदर चटनी कर दी धुल के। चलो ठीक करा, मस्त आइडिया है ना। जल्दी देख आइयो, ठीक है? जा रही हूँ और आ रही हूँ। हाँ अभी तुम जा नहीं सकते, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है ना। अरे इनको संभाल लो ना, मैं देखो ये कैसे रो रहा है, मैं इसको संभालता हूँ, इतना तो माओ दे के बाजी को। और वो देखो वो कहाँ पे पड़ी हुई मोबाइल चला रही है उसमें टप में, ये देखो मोबाइल छीनने इसने बाबू से। बाबू आपसे मोबाइल छीनने इसने यो। अरे बेबी आ जाओ, खाना खा लो बच्चों। देखो आपकी मम्मी भी आ गई है वापस, और आके आपके मम्मी ने खाना भी लगा दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ये यहाँ पे देखो मम्मी पूरा भगोना उठा के ले आई है कमरे में ही, और खाना लगा रही है। बिरयानी अब लाइट चली ना थोड़ी सी, गेट बंद कर दो, रोशनी आ रही थी ना उधर से। बाबू आप भी खाओगे? देखो ये बिरयानी चावल लेके आ गई मम्मी आपका भगोना, ठीक है, और ये लगा दिया है खाना, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारी खाने की तैयारी हो गई है, और देखते हैं ये बच्चे लोग क्या खाते हैं। एनु वैसे दो दिन से कुछ खा नहीं रही है, पर अभी फिलहाल देखते हैं इसको खुलाने की कोशिश करेंगे, ये थोड़े से चावल खा ले तो, वरना इसने क्या खाया कुछ भी नहीं, नमकीन उमकीन थोड़ी छोटी मोटी नमकीन खा ली होगी या कोई चिप्स का पैकेट खा लिया होगा, बाकी तो लगता नहीं इसने कुछ खाया होगा। चलो भाई बहुत तेज़ भूख लग रही है इस समय मुझे तो, भाई मेरे तो कसम से रहा नहीं जा रहा मुझसे, बहुत इंतज़ार कर लिया मैंने। और ये देखो क्या कर रहे हैं अनाया के पापा, अनाया के बाल काट रहे हैं, क्योंकि अनाया के बाल बहुत लंबे हो गए हैं, आँख के पास आते हैं बार बार उसके और वो गर्मी में परेशान हो रही है, तो इसलिए उसके पापा उसके बाल काट रहे हैं। नीचे नहीं देखो बेटे, अनु आराम से बैठो। कैची खराब कर दी तुमने। अब यहाँ बैठकर बाबू बोल रहा है पापा मेरे भी बाल काटो। एनु आपने करी थी मेरी कैंची खराब? मेरे भी काटो। अभी काटते हैं बेटे, आपकी मम्मी ने ना कैंची खराब कर दी पापा की ना, तो अच्छी बात नहीं करी मम्मी ने बिल्कुल भी। देखो पाप एनु कैसे बैठी है आराम से, आ तो ये चुपचाप ही बैठ गई, खुद ही शौक लग रहा है उसे भी कटवाने का, बस आगे आगे से काटना। देखो जियान बोल रहा है पापा मेरे भी काटो, आपको बाल काटे हैं? एनु को कितनी सोनी बना दूंगा मैं, पता कितनी सोनी, ये देखो एनु को कितनी सोनी। देखो पापा मेरे बाल, देखो मेरा बाल, मेरे बाल, एनु को सोनी बना दूंगा मैं। उस तो चावल खा के हमें तो बहुत सारी नींद आ गई थी, बहुत ही अच्छी सी, तो कुछ देर के लिए हम सो गए थे, अनाया भी सो गई थी, जियान भी सो गया था, और इसकी मम्मी भी सो गई थी, प्लस मैं भी सो गया था, लेकिन अभी सब उठे हुए हैं, और मैंने अभी अभी इसके एनु को थोड़े थोड़े आगे से बाल काटे, क्योंकि बार बार ऐसे करके परेशान हो रही थी ना जब, क्योंकि घर में भी हो रही ना, थोड़े से मैंने काम चलाने के लिए यहाँ से काट दिए, और मेरी कैंची हो रही है ख़राब, जिसे मैं ठीक करवा के लाऊंगा, यानी कि लगवा के लाऊंगा कैंची पे धार, तब आके इसके और अच्छे से बाल काटूंगा, और फिर मैं बाबू के बाल भी काटूंगा, क्योंकि बाबू के बाल भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी ही गाँव जाना है। अब एनु के भी काटूंगा अच्छे से, बाबू के भी, और उधर वो तो साझे के नहीं काटने। आप जूते उते पहनकर तैयार है घूमने जाने के लिए? दोस्तों आज क्या हुआ था कि हम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया भी था कि हम जो है ना
पढ़ के सो गए थे, मतलब चावल खा के ना, मतलब बिरयानी खा के मैं नशा हो गया था, हम सो गए थे सब पढ़ के, लेकिन थोड़ी देर ही सोए थे। उसके बाद हमने इसके थोड़े थोड़े बाल भी काट दिए और अब हमारा मन कर रहा था कि कहीं थोड़ा सा ना हम घूम के आते हैं, सब बच्चे मिल के ना घूम के आते हैं हम। और एनु बिल्कुल तैयार है, एनु भी तैयार है, बाबू भी तैयार है और मैं भी तैयार हो रहा हूँ, साजे भी तैयारी है बिल्कुल एकदम। तो अभी थोड़ी देर में हम घूमने जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं आप ब्लॉग में बने रहना, आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। और साथ ही ब्लॉग को इसी वक्त लाइक भी कर देना। चलो पापा मैं तैयार हूँ, उसने ऐसे बोला। चलो तो फिर चलो चलो भाई, वैसे ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तुमको ना? अच्छी लग रही है। तो चलो अब मिलते हैं हम आपसे ना आगे, मोटरसाइकिल से चलेंगे। ये हो गया हमारा ताला बंद, किचन हो रहेगी। चलो पापा गाड़ी पे, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों बच्चों? घूमने। जियान आप कहाँ जा रहे हो? उधर इधर आओ, ऐसे बोलता है जियान। ठीक है, कहाँ इधर कहाँ आ रहा है? चलो 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 भाई, ताला भी हो गया बंद, अब हम चलते हैं। गोदी आज मेरे साथ जाएगा। हम इनके पापा को, ओहो दोनों तो बैठ भी गए, क्या बात है। पापा आज कुछ दुकानें बंद क्यों है? आज फ्राइडे इसलिए। अच्छा यहाँ से भीड़ भाड़ वाला एरिया शुरू हो जाता है ना। हाँ यहाँ से हाईवे शुरू हो जाता है। ये है मेन हाईवे श्रीनगर का, जो ये वाला हाईवे हरिद्वार को होते हुए गया है, ये यहाँ की मेन रोड है। कैसा टाइम हो गया, दिन छिप गया। हम लेट जा रहे हैं ना, धूप भी तो हो रही थी, गर्मी लग रही थी, ऐसी गर्मी में कैसे जाते? ये तो है कि जब धूप रहती तब घर से निकलने का मन नहीं करता धूप में ना, क्योंकि गर्मी लगती, धूप को देख के तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है। मौसम भी गर्म ही है आजकल तो, चार पाँच दिन से बहुत ज्यादा गर्मी। अब हम चलते चलते आ गए हैं, अभी हमें 5 मिनट हो गए होंगे घर से चले हुए ना, 5 मिनट तो हो गए हमें। अब देखते ही हैं, 15-20 मिनट का रास्ता है, कितनी देर में पहुंचेंगे, अभी तो सूरज चमक रहा है। तो बने रहिए व्लॉग में।